أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي المؤمنين وارث الصادقين صريخ المستصرخين قياس المستغيثين قاسم الجبارين مثير الظالمين مدرك الهاربين الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. فصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك نبي الرحمة ومنقذ الأمة صاحب البقار والسكينة المدفون بأرض المدينة النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الأبطحي البطحي الطعامي الحجازي العربي العبد المؤيد والمحمود الأحمد والنبي الممجد والرسول المصدد والمصطفى الأمجد مولانا أبي القاسم محمد. الطاهرين المعصومين المنتدبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله الدائمة الباقية على أعدائهم وغاسبي حقوقهم وقدرتهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد جاء في التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला जिसने हमें पैदा किया है और बेशुमार मादी और मानवी नेमतों से नवाजा है, उसकी सबसे बड़ी नेमत यह है कि उसने हमें राह रास्त की और सिरात मुस्तकीम की हिदायत की। अपने इसी एहसान की तरफ इन लफ्जों में इशारा फरमाता है कि अल्लाह का ये लुत्फ एहसान है कि उसने ईमान लाने वालों में रसूल भेजा, वो रसूल जो उन्हीं में से था। और उस रसूल की शान ये है, उस रसूल का काम ये है कि वो उनके सामने अल्लाह की निशानियों की तिलावत करता है, उनके नफूस का तज़किया करता है और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है। अगरचे वो इससे पहले खुली खुली गुमराही में थे। अज़ीज़ाने मुहतरम, जिस मौजू के लिए मैंने इस आयत का इंतखाब किया है वो मौजू भी आपके इल्म में है, इल्म यकीन और मारिफत। और इस सिलसिले में मैंने तकीर की मंजिल में कल आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि हम और आप इस वक्त जिस दौर और जिस जमाने में जिंदगी बसर कर रहे हैं, ये दौर अगर चतरनी का दौर कहलाता है,
इल्म और साइंस का दौर कहलाता है, लेकिन इसी के साथ साथ ये हमारे लिए चैलेंजेस से भरा हुआ दौर है। मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस दुश्मनान इस्लाम की तरफ से हमें दरपेश हैं, जिनका हमें सामना करना है और उन मरहलों से हमें कामयाबी के साथ गुजरना है। चूंकि इस दौर में इस्लाम एक बहुत बड़ी ताकत की शक्ल में उभर के सामने आया है और इस्लाम की उभरती हुई ताकत से दुनिया के जितने तवाहीत हैं, आज के दौर के जितने फराइना हैं, जितने फिरौन हैं, आज के दौर में पाए जाने वाले जितने नमरूद हैं, आज के दौर में पाए जाने वाले जितने अबू जहल और अबू लहब हैं, आज के दौर में पाए जाने वाले जितने अबू सुफियान हैं, ये सब के सब इस्लाम की उभरती हुई ताकत से और उसकी सरबलंदी से और उसकी तरक्की और इर्तिका से परेशान हैं। क्यों? इसलिए उन्हें अपने मफादात खतरे में नजर आ रहे हैं, अपना तख्त खतरे में नजर आ रहा है, अपनी हुकूमत खतरे में नजर आ रही है, अपना इर्तिदार खतरे में नजर आ रहा है और उनकी नजर इस पहलू पे है कि ये इस्लाम जो हमें चैलेंज कर रहा है ये कौन वाला इस्लाम है। क्योंकि इस्लाम के मुख्तलिफ एडिशन है, जैसे हमने कराची में इशारा किया था, जो उनकी नजरों के सामने और वो अच्छी तरह से उसकी स्टडी कर चुके, अच्छी तरह से उसके बारे में मालूमात हासिल कर चुके और अपने दिलों में इत्मीनान पैदा कर चुके, लेकिन अल्लाह का करना और उसका लुत्फ एहसान कि इस दौर में इस्लाम का जो हकीकी एडिशन है, खालिस मुहम्मदी इस्लाम, गदीर और करबला वाला इस्लाम, वो उनकी निगाहों के सामने आया और जब से उन्होंने इस इस्लाम को देखा है उससे परेशान है। और अज़ीज़ान मुहतरम, उनकी सारी कोशिश ये है कि जब तक हम दोस्तदारानी अहले बैत की सबको भी न करेंगे, जब तक हम इनके खिलाफ फितने न पैदा करेंगे, जब तक हम इनके खिलाफ साजिशें न करेंगे, उस वक्त तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। लिहाजा पूरी दुनिया में आप देखें कि सबसे ज्यादा अगर मसाइल और मुश्किलात का शिकार कोई है, कोई भी कौम, कोई भी फिरका, दुनिया में कितने लोग आबाद हैं, यूं तो इस वक्त साजिशें पूरे आलम इस्लाम के सिलसिले में हो रही है, यूं तो इस वक्त साजिशें पूरे मजहब इस्लाम के सिलसिले में हो रही है, लेकिन खास तौर पे मुसलमानों में भी जो उनके टारगेट पे हैं, मुसलमानों में भी जो उनके निशाने पे, वो कोई और नहीं, वो दोस्तदारान अहले बैत हैं, शियाने आले मुहम्मद हैं, पैरवान मौलाए कायनात हैं। एक सलाम पढ़ने पर मुहम्मद वाले मुहम्मद इसी साजिश के तहत हमारा कत्लेआम हो रहा है। कसूर क्या है दुनिया में? हमारा कसूर क्या है? क्यों हमारा कत्ल हो रहा है? क्यों हमारे खून से गोलियां खेली जा रही? क्यों हमारे बच्चों को शहीद किया जा रहा है? क्यों हमारी औरतों को बेवा किया जा रहा है? क्यों हमारी बस्तियां उजाड़ी जा रही? अजीजाने मोहतरम, इसके पीछे दुश्मनों की साजिश का फरमा है। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि हमें मुख्तलिफ किस्म के फितनों का और मुख्तलिफ किस्म की साजिशों का इस दौर में सामना है। चुनांचे दुश्मन हर तरह से हमें शिकस्त देना चाहता है, हर तरह से हमें पस्पा और पामाल करना चाहता है। कभी उसकी ये कोशिश होती है कि हमारे बच्चों की सही और तालीम और तरबियत ना होने पाए, लिहाजा हमें तालीम और तरबियत के वसाइल से महरूम किया जाता है।
कभी उनकी कोशिश होती है कि हमारे बच्चों की ब्रेनवॉशिंग कर दी जाए, लिहाजा मीडिया के जरिए से वो इस काम को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, और कभी उनकी कोशिश होती है कि वो हमारे मुकद्दसात पे हमला करें, अइमा के हरम को निशाना बनाएं, मासूमीन की कब्रों को निशाना बनाएं। ये सिलसिला कब से शुरू हुआ है आप अच्छी तरह से जानते हैं। सबसे पहला वाकया इस सिलसिले का जो पेश आया अइमा व मासूमीन के सिलसिले में, वो जनरल बद्री के निजाम का था, और उसके बाद ये सिलसिला पहुंचा सामरा तक, और सामरा के बाद भी आज तक ये सिलसिला थामने नहीं पाया। ये सिलसिला मुसलसल जारी है, और कभी इसी सूरत से पैगंबर की शान में गुस्ताखी हो रही है, कभी कुरान को जलाया जा रहा है, कभी और दीगर उलमा से दिलादारी की कोशिश की जा रही। मकसद क्या है? मकसद यह है कि इन पर लगातार हमले करते रहो ताकि ये हमेशा दिफाही पोजिशन में रहे, जो हमेशा डिफेंसिव बन के जिंदगी बसर करें। जब तक ये दिफाही पोजीशन में रहेंगे, इहतजाजात करते रहेंगे, इनको मौका ही नहीं मिलेगा न तालीम पे तवज्जो देने का, न तरबियत पे तवज्जो देने का, न इक्तिसादी मसाइल पे तवज्जो देने का, न अपनी तरक्की पे तवज्जो देने का, न अपने मुआशरे की इस्लाह पे तवज्जो देने का। अजीजों, किसी को भी अगर तालीम और तरक्की से रोकना है, किसी को भी अगर कामयाबी से दूर रखना है, तो आप लगातार उस पर हमले करते रहिए, लगातार उसे परेशान रखिए। तो आखिर ये हम पे जो लगातार जान के और माल के और आबरू के हमले हो रहे हैं, इसका बातिन मकसद ये है कि दुश्मन हमको दिफाई पोजीशन में रखना चाहता है। हमेशा इहतजाज करते रहे, हमेशा सियाह कपड़े पहन के, सियाह झंडे लेके सड़कों पर हम दिखाई दें ताकि हम तरक्की से दूर हो जाए। अजीजान मोहतरम, यकीनन इहतजाज दुश्मन के खिलाफ अपना दिफा, अपना तहफ्फुज़, ये हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है, लेकिन हमें मुस्बत तरीकों को भी नजरअंदाज नहीं करना है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि जो हमें इस दौर में दरपेश हैं, उन्हीं चैलेंजेस में से एक चैलेंज दीन और मजहब के तहफ्फुज़ का है। लेकिन मैं आपकी शुरू में कल अर्ज़ कर रहा था कि चैलेंजेस की हैसियत बीमारियों की है, जब तक हम उन चैलेंजेस को पहचानेंगे नहीं, उस वक्त तक हम उन चैलेंजेस से बचने का तरीका नहीं समझ सकते हैं और अपने आप को महफूज नहीं कर सकते हैं। यही से इल्म, मारिफत और यकीन की जरूरत उभर के सामने आती है। इतना जोर इस्लाम ने क्यों दिया है तालीम पर, तरबियत पर, हुसूल इल्म पर? कल मैं आपकी खिदमत में कुरान मजीद से चंद आयतें पेश कर रहा था, चुनांचे गुफ्तगू चल रही थी सूरह नहल की आयत नंबर 78 की राय में, कि जहां पर परवरदिगार आलम ने साफ साफ ऐलान किया कि तुम्हें हमने जाहिल पैदा किया है, लेकिन जाहिल रखना मकसद नहीं है। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमुन शैया, अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माओ के पेट से इस आलम में पैदा किया कि तुम कुछ नहीं जानते, लेकिन वजअल लकुम अस्समअ वल अबसार वल अफिदा, अल्लाह ने तुमको सुनने के लिए कान अता किए, देखने के लिए आंखें दी, समझने के लिए दिल अता किए, ताकि तुम उसके शुक्रगुजार बंदे बन सको। मैं अभी खुद बहस कर रहा था कि बेशुमार नेमतें उसने हमें दी, लातादाद नेमतों से नवाजा है। खुद ऐलान कर रहा है, इन तरुद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसुहा, तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो नहीं शुमार कर सकते, तुम्हारे बस से बाहर। अब गौर फरमाए, सबसे अजीम नेमत आलू ने हमें कौन सी अता की है? सबसे बेहतरीन नेमत परवरदिगार आलम ने हमें जिंदगी की अता की। जिस वक्त यह आयत नाजिल हुई, वह इन तरुद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसुहा, तो पैगंबर मस्जिद में तशरीफ फरमा थे, अपने असहाब से खिताब करके फरमाया कि तुम में कौन है जो अल्लाह की नेमतों को शुमार करे? सब खामोश। तरह मौलाए कायनात उठेगा, या रसूल अल्लाह। अब आप गौर कीजिए, वही मंजर है कि नहीं जो जंगे खंदक में दिखाई दिया था? जंगे खंदक में पैगंबर पुकार रहे हैं, मंदे हाजर कर, कौन है जो इस हैवान ने जिसके मुकाबले में जाए? अमर इब्न अब्दुल की तरफ इशारा, सारे मुसलमान खामोश बैठे हुए, मौला खड़े होते कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं जाऊंगा आपके मुकाबले में। वहां भी अली खड़े हुए, यहां भी अली खड़े हुए, वहां भी असहाब खामोश बैठे हुए, यहां भी असहाब
भूल बैठे हुए। तो अगर तारीफ पढ़ने वाला पढ़े और इंसाफ के साथ सोचे तो उसे यह फैसला करना पड़ेगा कि अली सिर्फ मैदान जंग के गाजी नहीं थे बल्कि मैदान इल्म के भी गाजी थे, और ये लोग सिर्फ मैदान जंग के फरारी नहीं थे बल्कि मैदान इल्म के भी फरारी थे। सलाम पढ़े पर मोहम्मद वाले जो बड़ी बड़ी नेमतें हैं, अहम अहम नेमतें हैं, उनका तस्किरा जरूर हो सकता है। चुनांचे मौला ने चंद अहम तरीन नेमतों का तस्किरा फरमाया। सबसे बड़ी नेमत यह है कि उसने हमें वजूद अता किया, वजूद एग्जिस्टेंस। हम कुछ नहीं थे, अदम की आगोश में ख्वाबे गफलत में पड़े हुए थे, मादूमुल वजूद थे, परवरदिगार आलम ने हमें वजूद अता किया। यह उसकी सबसे बड़ी नेमत है। और सिर्फ वजूद अता नहीं किया बल्कि वजूद अता करने के बाद उसने हमको जिंदगी की नेमत से नवाजा। वो चाहता तो हमें बेजान मखलूक भी बना के पैदा कर सकता था, पत्थर की शक्ल में भी सब कर सकता था, लोहे की शक्ल में भी सब कर सकता था, पहाड़ की शक्ल में भी सब कर सकता था। बेजान मखलूक बना के नहीं पैदा किया बल्कि जानदार मखलूक बना जिंदगी की नेमत से नवाजा। ये उससे अधिक नेमत। और परवरदिगार आलम ने सिर्फ जिंदगी की नेमत से नहीं नवाजा बल्कि उससे अजीम नेमत यह है कि उसने हमें साहिब अक्ल व शऊर बनाया, सेंस अता किया है, नेमत अता की है अक्ल की, नेमत अता की है शऊर की, नेमत अता की है गौर फिक्र की। उसने साहिब अक्ल व शऊर बना के पैदा किया, और सिर्फ साहिब अक्ल व शऊर नहीं बनाया बल्कि उससे बड़ी नेमत यह है कि उसने हमें आजाद बना के पैदा किया, अपना बंदा बनाया है, किसी और का गुलाम बना के नहीं पैदा किया। अजीजों, ये तो इंसान की वजह से भी है कि कुदरत अपना बंदा बना रही है, हम दूसरों के गुलाम बने जा रहे हैं। इस तरह से मौला ने अहम तरीन नेमतों को, उसमें जिंदगी अहम तरीन नेमत, परवरदिगार आलम ने हमें जिंदगी की नेमत से नवाजा है। और अजीजा ने मोहतरम, जिंदगी की नेमत के सिलसिले में हमारे और आपके पांचवे इमाम हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहि सलाम मुझे याद नहीं शायद गुज़श्ता साल की मजलिसों में भी इशारा आया हो, इमाम ने फरमाया कि जब इंसान के पास किसी भी नेमत की फरामानी होती है, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूं, तो इंसान का दिल भर जाता है। लेकिन जिंदगी एक ऐसी नेमत है, एक ऐसी अजीम नेमत है कि जितनी भी इंसान को दी जाए कभी उससे उसका दिल नहीं भरता। अजीजो, पैसे की भी फरामानी हो जाती है तो इंसान का दिल पैसे से भी भर जाता है, कितना ही बड़ा मादियत पास क्यों ना हो। पैसे की फरामानी से भी इंसान का दिल भर जाता है। पैसे, हर नेमत की फरामानी, जहां उसकी कसरत हुई इंसान, लेकिन जिंदगी की नेमत, ये ऐसी नेमत है कि जितनी उम्र नूह मिल जाए, चार पांच हजार साल की जिंदगी मिल जाए, मगर फिर भी इंसान कहेगा और जिंदा रहे, इंसान कहेगा और जी ले, और जी ले। और वो जो लोग कहते हैं कि सब जिंदगी से दिल भर गया है, इस सिलसिले में सीरियस लोग हैं, इसलिए कि वो जबान से कह रहा है, दिल से नहीं कह रहा है। इसकी नफसियात एक वाक्य में मौजूद है, मुमकिन मैंने इशारा किया हो बात को आगे बढ़ाने के लिए। एक शख्स, एक बूढ़ा इंसान, गरीब, जंगल से लकड़ियां काट के लाता था, बाजार में बेचता था, उसी से अपना आजूजा फराम करता था, जिंदगी का कारोबार चलता था। एक दिन जब लकड़ियां काट के चला तो ज़ईफ इंसान, थका हारा इंसान परेशान हो गया। उसने लकड़ियों का गट्ठा उठा के जमीन जमीन पे फेंक दिया,
सर से उतार देगा और फिर चीखने लगा, कहां है मलकुल मौत, अब जल्दी कर दे। अब मुझसे ये जिंदगी बर्दाश्त नहीं होती। अब इसे आप हुस्ने इत्तेफाक कहिए, सुए इत्तेफाक कहिए, एक मस्खरा इंसान वहीं कहीं मौजूद था जंगल, और उसकी वो आवाज सुन रहा था। बस जैसे ही उसने सुना, दूसरी तरफ से वो घूम गया, क्या बताओ क्या बात है, मैं हूं मलकुल मौत, किसने बुलाया। अच्छा शायद उसका कयाफा भी कुछ इतना ही खतरनाक था कि इसने देखा तो इसको यकीन हो गया, हो ना हो ये मलकुल मौत ही है। जैसे ही उसने देखा कि मलकुल मौत अब सामने आ गए हैं तो घबरा गया, कुछ नहीं सरकार, मैंने सिर्फ इसलिए जहमत दी है कि लकड़ियों को गट्ठे उठा के रिजर्व कर। तो अभी तक तो वो चीखा जिंदगी से दिल भरने की दुआनियां दे रहा था, ये आखिर उसने मलकुल मौत को पुकारा आवाज दी, ये आखिर दो लम्हों में क्या हो गया। तो अजीजान मोहतरम याद रहे कि अगर कोई जिंदगी से दिल भरने की बात करता है तो सिर्फ जबानी होती है, दिल से इंसान कभी मरना नहीं चाहता है, जितनी लंबी उम्र उसे मिल जाए उसका दिल भरने वाला नहीं। इमाम ने इसी की तरफ इशारा फरमाया है कि इंसान कितनी ही हयात उसे क्यों ना मिल जाए, जिंदगी की नेमत से कभी उसका दिल नहीं भरता। इससे दिल अब मैं जिस पॉइंट की तरफ आपको लाना चाहता था कि इस जिंदगी का जो इतनी अजीम नेमत है किस चीज पे दारो पता है, एक सांस के ऊपर, एक सांस जो कभी अंदर जाती है और कभी बाहर आती, एक सांस। शेख सादी ने इसकी तरफ इशारा किया, मिन्नती खुदाई अज़्ज़वजल रौ के ताहतश मुजिबे कुर्बतस व बिशुक्र अंदरश मुजीद नेमत, बस हर नफस के फरो भी रबत मुमिते हयात अस व चुन बर्मी आयत मुफर्रे हिसा। शेख सादी कहते हैं कि अल्लाह का लाख लाख एहसान कि उसने हमें जिंदगी की नेमत से नवाजा, और ये सांस इसके अंदर दो नेमतें छुपी हुई, एक सांस जो कभी अंदर जाती है कभी बाहर जाती, चुन बैर नहीं आया, जब बाहर आती है तो ये जिंदगी में इजाफे का सबब बनती है, जब अंदर जाती है तो ये हमारे लिए फरहत और शादमानी का बाइस होती है। अब बच्चों ये बात शेख सादी ने कही थी, इसको आप आज के दौर में भी समझ सकते हैं मेडिकल साइंस की रोशनी में। कुछ मुजिर ऐसे हैं जो इंसान के जिस्म के अंदर पैदा होती हैं, मिसाल के तौर पर कार्बन, उसका बाहर निकलना जरूरी है। कुछ फायदेमंद गैसेस हैं जो बाहर की फजा में पाई जाती हैं, इंसान के जिस्म और हयात के लिए जरूरी, उनका अंदर जाना जरूरी, जैसे ऑक्सीजन। तवज्जो, तो एक सांस जो कभी अंदर जाती है कभी बाहर आती है, जब अंदर से बाहर आती है तो अंदर के कार्बन को बाहर फेंकती है, और जब बाहर से अंदर वापस जाती है तो बाहर के ऑक्सीजन को इंसान के फेफड़े तक पहुंचाती है। तवज्जो, तो इस तरह से हर सांस के अंदर कम से कम दो नेमतें छुपी हुई हैं। अब वहीं तक उद्दो नेमत अल्लाह ला तौसुहा का मतलब समझिए, इंसान जब अपनी नेमत अपनी सांसों को नहीं शुमार कर सकता तो अल्लाह की नेमतों को कहां से शुमार करेगा। इसलिए आप पढ़ने पर मोहब्बत पाए। लेकिन जो नेमतें नहीं मिलती, मिलने से पहले यानी इंसान उसका एहसास नहीं कर सकता है। मैं मिसाल दे दूं, बात वाजे हो जाए। इंसान बीमार पड़ा, बीमारी के बाद शफा मिली, तंदुरुस्ती हासिल हुई, नेमत हाथ आई, उसको एहसास हुआ कि अल्लाह ने हमें तंदुरुस्ती और शफा की नेमत अदा की। लेकिन एक वक्त यह है कि बीमारी आ रही थी, पास आने से पहले रोक दिया, तो यह भी तो नेमत है। लेकिन उसका एहसास कैसे होगा, उसका एहसास कैसे होगा,
तो इन नेमतों को जाने दीजिए, सिर्फ सांस की नेमत को ले लो। कैसे शुमार करोगे, कब तक शुमार करोगे? जब तक जाग रहे हो उसी वक्त तक तो शुमार करोगे, लेकिन जब सो जाओगे तो इन सांसों को कौन शुमार करे? और जब से तुम्हारे अंदर शऊर पैदा हुआ है उसी वक्त तक से तो सांसें शुमार करोगे, और तुमने लाशऊरी के हाथ में जो सांसें ली उसको कैसे शुमार करोगे? अब जो जब से पैदा हुए हो उसी वक्त तक तो सांसें शुमार करोगे, जब मां के पेट में थे उसको तो सांसें ले रहे थे उसको कैसे शुमार करोगे? तो अजीजों, इंसान जब अपनी सांसें नहीं शुमार कर सकता तो अल्लाह की नेमतों को क्या शुमार करेगा? सल्लल्लाहु अलैहि व मुहम्मद व आलिहि। तो ये अजीम नेमत, मगर इन तमाम नेमतों को नजरअंदाज करके परवरदिगार आलम ने इस आयत में तीन नेमतों का तज़किरा किया। वजअला लकुम अस-समअ वल अबसार वल अफ़ीदा, सुनने के लिए कान, देखने के लिए आंखें, समझने के लिए दिल। क्यों? इसी मैंने कल आपके ऊपर बहस किया था कि ये तीन वो अजीम नेमतें हैं जो इल्म, मारिफत और यकीन के हुसूल का दरिया है। सबसे पहले मंजिल में इंसान किसी चीज का इल्म सुन के हासिल करता है, फिर उसके बाद किसी चीज का इल्म देख के हासिल करता है, फिर उसके बाद किसी चीज का इल्म समझ के हासिल करता है। और ये तीन अजीम नेमतें तदरीजी एतबार से काम करना शुरू करती हैं। डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, उनके सामने मेडिकल साइंस से मुताल्लिक कोई गुफ्तगू, जाहिर सी बात है कि आफ्ताब को चिराग दिखाना है कि मैं भी बर्दाश्त करूं कि बच्चा जब पैदा होता है, ये तीन ताकतें हैं, कान इससे मुराद सुनने की कुव्वत, आंखें इससे मुराद देखने की कुव्वत, दिल इससे मुराद समझने की कुव्वत। जब बच्चा पैदा होता है तो इन तीन ताकतों में से कौन सी ताकत है जो सबसे पहले काम करना शुरू करती है? बच्चा पैदा होते ही जिस ताकत से बहरामंद होता है, जो जिसकी उसकी जो ताकत सबसे पहले काम करना शुरू करती है, वो है सुनने की कुव्वत। पैदा होता है तो जितनी भी आवाज फना में मौजूद है वो आवाज उसके कानों तक पहुंचती है, वो उन आवाजों को दर्क कर सकता है, लेकिन अभी उसकी आंखें देखने के काबिल नहीं है, अभी आंखों में इस्तकरार नहीं पैदा हुआ है, अभी आंखों में ठहराव नहीं पैदा हुआ है। क्यों? ये भी कुदरत का इंतजाम है। वो बच्चा कि जो 9 महीने तक अंधेरी कोठरी में रहा है, अचानक अगर बाहर आने के बाद फौरी तौर पर उसकी निगाहें काम करने लगे, तवज्जो, तो फिर उसकी निगाहों को नुकसान पहुंच सकता है कि नहीं? क्यों? इसलिए कि अब तक तो अंधेरे में था और बाहर की फजा में रोशनी ही रोशनी पाई जाती है, लिहाजा परवरदिगार आलम ने यह इहतमाम रखा है कि फौरन उसकी आंखें यानी उसके अंदर देखने की सलाहियत नहीं होती, धीरे 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 वो बाहर की फजा से आशना होती है और तकरीबन 6 दिनों के अंदर उसकी आंखें काम करने के लायक बनती है। तो ये इल्म के वसूल का दूसरा दरिया है, दूसरी ताकत है कि जिसने काम करना शुरू किया। पहली ताकत सुनने की कुव्वत पैदा होने के बाद से फौरन, दूसरी कुव्वत देखने की कुव्वत 6 दिनों के बाद, तीसरी कुव्वत कब से काम करना शुरू करती है? समझने की कुव्वत, अक्ल, अक्ल कब से काम करना शुरू करती है? 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीनों के बाद, साल भर के बाद? जी नहीं, इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए बुलूग की मुद्दत का। अगर लड़की है तो कम से कम 9 साल की उम्र तक पहुंच जाए, लड़का है तो कम से कम 15 साल की उम्र तक पहुंच जाए। जब उसकी अकल काम करना शुरू करती है उसको कहते हैं बुलूग की मंजिल। बुलूग की मंजिल अजीजाने मुहतरम, यह है फासला। देखिए किस तरह से इल्म के हुसूल की मंजिलें और इल्म के हुसूल का सफर तय हो रहा है। पैदा होते ही कानों में आवाज पड़ने लगी, जैसे जैसे आवाजें पहुंचती हैं, अल्फाज उसके जहन तक पहुंचते हैं, वो सब के सब इल्म है, इल्म की एक अच्छी सूरत है कि जो उसके जहन में महफूज होती चली जा रही। उसने देखा, आंखें काम करना शुरू की, चीजों को देखना शुरू किया, जिन चीजों का इदराक हासिल कर रहा है वो इल्म की एक शक्ल है कि जो उसके जहन में महफूज होती चली जा रही। लेकिन उसने कहा कि अभी जखीरा इकट्ठा करते रहो,
अभी जखीरा इकट्ठा करते रहो। 9 साल की मंजिल आने दो, 15 साल की मंजिल आने दो। जब 900 और 15 साल की मंजिल आ जाए तो जो कुछ भी तुमने इस अरसे में जखीरा इकट्ठा किया है अब उसको परखो, इसमें क्या सच है, क्या झूठ है, क्या हक है, क्या बातिल है, क्या खैर है, क्या शर है, क्या नेक है, क्या बद है, क्या सही है, क्या गलत है। अक्ल की तराजू पे, इस्तेदार की तराजू पे, मंतिक की तराजू पे, लॉजिक की तराजू पे परखो। अगर हक है तो कबूल कर लो, बातिल है तो ठुकरा दो। सलाम अले मोहम्मद। इसमें जहां बहुत सारे झूठे नारे दिए जाते हैं उनमें से एक नारा मर्द और औरत की बराबरी का भी है, मसावा। चुनांचे जब यह कानून का सामने इस्लाम का कि लड़कियां 9 साल की उम्र में बारी हो जाती, 9 साल की उम्र पहुंची तो नमाज उन पे वाजिब है, रोजा उन पे वाजिब है, हज उन पे वाजिब है, ज़कात उन पे वाजिब है, जितने भी वाजिबात। मगर लड़के 15 साल, 9 साल और 15 साल में कितना फर्क है? 6 साल का फर्क है, 6 साल का फर्क है। तो दूसरे लफ्जों में कहिए कि लड़का है उसका ताल्लुक सिर्फ कभी से, लड़कियां उसका ताल्लुक सिर्फ नाजुक से। सिर्फ नाजुक पे पहले जिम्मेदारी आयत कर दी परवरदिगार आलम ने, और सिर्फ कभी को मजीद 6 साल तक आजाद घूमने का मौका फराहम कर दिया। इस पॉइंट से आदमी जब सोचता है तो वो कह सकता है सब इस्लाम में डिस्क्रिमिनेशन है, इम्तियाजात बढ़ते गए, लड़कियों के साथ ये सुलूक कि उन पर जल्दी से जिम्मेदारी आयद कर दी और लड़कों को मजीद 6 साल तक घूमने का मौका दी। लेकिन यहां दिमाग की हिम्मत पेश करूंगा कि बात सिर्फ जाविया नजर की है। आप जिस चीज को जिस जाविये से देखेंगे उसी जाविये से आपको समझ में आएगी। इस सिलसिले में एक मिसाल मेरे उस्ताद अब्दुल्लाह करार थी, दर्श देते देते उन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल दी, छोटी छोटी मिसालों से वो मुश्किल से मुश्किल मसायल हल किया करते हैं। जो कहने लगे कि एक शख्स करागरी की दुकान में गया, उसको गिलास चाहिए था। जब उसने दुकानदार से कहा मुझे गिलास चाहिए, तो गिलास देखिए रैक पे लगे हुए, जो से भी गिलास आपको पसंद हो ले लीजिए। सारे गिलास रैक में उल्टे औधे रखे हुए थे। इसने गिलासों में से गिलास उठाया और उठाने के बाद देखता है तो हैरान होकर कहता है दुकानदार से कि ये कैसा गिलास है, इसका तो ऊपर का मुंह बंद है, चूंकि उल्टा रखा हुआ था मुंह बंद है। और फिर उसके बाद हाथ नीचे की तरफ कि ये तो अजीब वाली गिलास है, न सिर्फ ये मुंह बंद है बल्कि इसमें तो पैदा भी नहीं है, इसमें पानी कैसे लिया जाएगा। दुकानदार मुस्कुरा रहा था, उसने गिलास को लिया और उलट दिया, कहा सरकार देखिए इसमें मुंह भी पाया जाता है, इसमें पैदा भी मौजूद है। इस्लाम पर देखो मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जिस जाविये से आदमी देखेगा उस जाविये से वो बस समझ में आएगी। तुम इस नुकता नजर से देखते हो कि 9 साल की उम्र में लड़कियों पे जिम्मेदारियां कर दी गई, तकलीफ दे दी, और हम दूसरे जाविये से देखते हैं इंसान उस पर जिम्मेदारी कब आयद होती है, जब अल्लाह उसे अक्ल की नेमत अदा करता है। अब जो पहली बार अक्ल की नेमत अदा करता है तो अक्ल खुद बहुत बड़ी अजीम नेमत है। तो सोचो जो नेमत लड़कों को बाद में मिल रही है वो नेमत लड़कियों को अल्लाह पहले अदा कर रहा है, ये उनका शरफ है। और उसके बाद जब अक्ल मिलती है कुदरत खिताब करके कहती है अकीमु सलाह नमाज कायम करो, आतु ज़कात ज़कात अदा करो, कुतिबा अलैकुमुस सियाम तुम पर रोजा वाजिब किया गया है, लिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैत तुम पर हज वाजिब किया गया है। तवज्जो, कुदरत खिताब कर रही है, खिताब ने एड्रेस कर रही है। अल्लाह किसी से खिताब करे
परवरदिगारे आलम किसी को एड्रेस करे ये खुद कितना बड़ा शरफ है। लड़कियों और लड़कों के फर्क को पहचानो कि जिस उम्र में परवरदिगारे आलम ने लड़कों को मुंह लगाने के काबिल नहीं समझा है उस उम्र में लड़कियों से खिताब किया है, उनको एड्रेस करके अजीम शरफ अता किया है। सलाम अलैहि व मोहम्मद व आले मोहम्मद। जगह का मुताल होता है, यानी ये ना समझिएगा कि जो मिंबर पे है वही जिक्र करेगा, नहीं, जो फर्श पे बैठा है वो भी जिक्र कर सकता है। जब तक मैं बोलता हूं मैं जाकिर हूं, आप सामे हैं, लेकिन जब मैं चुप होता हूं आप दुरूद पढ़ने लगे तो उस वक्त आप जाकिर होते हैं, मैं सामे बन जाता हूं। इंसान इल्म की पहली मंजिल कानों से तय करता है, जो कुछ भी सुन रहा है वो इल्म की शक्ल में उस तक पहुंच रहा है, जो कुछ भी आंखों से देख रहा है वो इल्म है कि जो उसके ज़हनो दिलो दिमाग के सराहने में जमा होता चला जा रहा है, और फिर जो कुछ भी समझता है वो भी इल्म की अजीम तरीन मंजिल है कि जिससे इंसान आशना होता चला जा रहा है। अब मैं आपकी शिद्दत प्यास करूं कि ये जो मौजू मुंतखब किया गया है इल्म मारिफत और यकीन, हकीकतन ये मौजू आज के जमाने की सबसे बड़ी जरूरत है, और अजीजाने मोहतरम इस मौजू का लुत्फ भी कहीं और नहीं है बल्कि दोस्ताराने अली के मजमे में, जिसने कभी हीरे का नाम न सुना हो, जो हीरे के बारे में कुछ जानता ही ना हो, आप उसके सामने हीरे की तारीफ करें तो उसकी हैसियत क्या होगी? उर्दू की मसल है भैंस के आगे जी। तो जो लोग इल्म से नहीं वाकिफ, जिन्होंने कभी यकीन का तस्करा नहीं सुना, जो कभी मारिफत की बातें नहीं जानते, क्यों नहीं जानते? इसलिए कि वो जिन्हें फॉलो करते हैं उनके दामन में ना इल्म है ना मारिफत है ना यकीन है। उनके सामने यकीन के तस्करे का क्या क्या महासर? हकीकतन इल्मो यकीनो मारिफत के तस्करे का फायदा उस मजमे में है जहां उसका तस्करा होता है जो मदीनतुल इल्म है, जहां उसका तस्करा होता है जो बाबे मदीनतुल इल्म है। अजीजाने मोहतरम, मैं नेमतों की गुफ्तगू कर रहा था, अगर इंसान को नेमत की अहमियत और अजमत का एहसास न हो तो वो उसकी सही तौर पे कदर नहीं कर सकता है। परवरदिगार आलम ने हमें कितनी अजीम नेमत अता की है अहले बैत की क़यादत और इमामत की शक्ल में। अजीजाने मोहतरम, दुनिया की बड़ी से बड़ी कौम, तरक्की याफ्ता से तरक्की याफ्ता कौमें किसी को ऐसे रहनुमा मैसर हो तो दिखाइए। इल्म का दौर है ना, साइंस का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है किसी का इमाम अली जैसा? है किसी का इमाम अली जैसा? है किसी का मौला अली जैसा? अली जैसा तमाम पहलुओं को जाने दीजिए, सिर्फ एक पहलू को ले लीजिए, वो अली की जिसका तुर्रा इम्तियाज ही इल्म है, जिसका तुर्रा इम्तियाज ही इल्म है, जो मिंबर से कहता है सलूनी सलूनी तबला तक दूरी। पूछ लो
کہہ دے تو مجھے خود عزیزان محترم یہ معمولی بات نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا مفکر لے آئے، دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا ماہر علوم و معارف لے آئے، دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا پروفیسر اور ریسرچ اسکالر لے آئے، دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے عالم میں یہ ہمت نہیں ہوئی آج تک کہ وہ علن اعلان کہے کہ جو پوچھنا چاہو پوچھو. یہ علی ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں کہ جو پوچھنا چاہے تو مجھ سے پوچھ دو، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. یقیناً ایسے مجمع میں لوگوں کی سعادت یہ تھی کہ وہ کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کے مولا سے علوم و فنون کے اثرات دریافت کرتے. اگر یہ پوچھتے کہ مولا بجلی کیسے پیدا ہو سکتی ہے تو علی اسے بتاتے، اگر یہ پوچھتے کہ کمپیوٹر کیسے ایجاد کیا جا سکتا ہے تو علی یہ بتاتے. جس چیز کے بارے میں دریافت کرتے، راکٹ کی ایجاد کے بارے میں دریافت کرتے، ہوائی جہاز کی ایجاد کے بارے میں دریافت کرتے، وہ ساری چیزیں کہ جو آج دریافت ہوئی ہیں اگر کل کا عالم شعور رکھتا ہوتا علی سے پوچھ لیتا تو اس سے زیادہ ترقی یافتہ لکھا تو چینی امام بتا سکتا. کیا امام نے کہا تھا بہتے ہوئے آبشار کو دیکھ کر کہ اگر میں چاہوں تو اس بہتے ہوئے آبشار سے روشنی پیدا کر دوں، روشنی پیدا کر دوں. عزیزان محترم یہ علی کا کہنا ہی ہے، توجہ، یہ علی کا کہنا ہی ہے کہ جو آج چراغوں میں روشنی پائی جاتی ہے، یہ روشنی جو پانی سے پیدا ہو رہی ہے، توجہ، روشنی جو پانی سے پیدا ہوئی ہے، اب ممکن ہے کہ اس کے لیے ایٹمی توانائی کا بھی استعمال ہو رہا ہو لیکن بنیاد اس کی کیا ہے؟ روشنی پہلے پانی سے پیدا ہوئی ہے. یہ علی کا قول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علی اگر کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں اگر کہہ دوں، توجہ، اگر چاہوں، کہنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، چاہنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، اگر کہہ دوں، اگر چاہوں. آپ کو یاد نہیں یہودی کے باغ میں کہتے ہیں پانی دینے کے لیے، یہودی نے کہا یا علی آپ کو پانی دینے کی کیا ضرورت، سمجھا کہ علی مجبور ہو کے آئے. مولا نے کہا کہ اگر میں کہہ دوں کہ یہ دیوار سونے کی ہو جائے تو دیوار سونے کی ہو جائے گی. علی نے نہیں کہا کہ اے دیوار سونے کی ہو جا، جب یہودی نے نگاہ کی تو وہ دیوار سونے کی ہو چکی تھی. لوگوں کو علی سے بڑی عداوت تھی، بڑی برخاست تھی اور چاہتے تھے کہ علی کے دعوی سلونی کو روک دیں. لہذا اس کے لیے بڑے جتن کیے گئے، بڑی بڑی سازشیں کی گئی. ایک مرتبہ یہ بھی ہوا کہ ایک مصنوعی جنازہ تیار کیا گیا. برابر سنتے رہتے ہیں موضوع کو آگے بڑھانے کے لیے جنازہ لا کے دربار میں رکھا گیا. مولا کائنات کو بلایا گیا، علی نماز پڑھا دیے. ایک بڑھیا بیچاری، اس کا ایک ہی بیٹا ہے. مولا نے کہا میں اس میت کی نماز پڑھا دوں؟ نہیں، میت کی لفظ بعد میں استعمال کی، میں اس کی نماز پڑھا دوں. کہاں یہ علی پڑھا دی، میں اس کی نماز پڑھا دوں. یا علی پڑھا دی. پھر علی کہ یا علی میں اس میت کی نماز پڑھا دوں. یا علی پڑھا دی. مولا نے نماز پڑھائی. اب لوگوں نے کہا بڑھیا آگے بڑھے، علی کے دعوی امامت کو باطل کر، دعوی سلونی کو باطل کر، بڑھیا آگے بڑھے، میرے لال اڑ جا. اب علی کے دعوی سلونی کو باطل کرنے کا وقت آیا لیکن وہاں لال زندہ ہو تب تو اٹھے،
वो नहीं पता कि इधर लफ्ज मैयत जबान से निकला कब्र इसके कि लफ्ज मैयत आता हो वो मैयत हो चुका था। मैयत की शक्ल में तब्दील हो चुका था। वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह, जो इनकी मर्जी वही अल्लाह का मंशा, जो अल्लाह का मंशा वही इनकी मर्जी। ये कायनात में तसर्रुफ कहा करते हैं। चुनांचे मौला ने उस वक्त कहा था कि मैं अगर चाहूं तो इस पानी से बिजली पैदा कर दूं। उस दौर के इंसानों के लिए यह बात नहीं थी, बल्कि जब इंसान का दिमाग और जहन तरक्की करते करते इस मंदिर पे पहुंचा तो फिर यही इंसान बिजली का मुजीद बना, उसने पानी से बिजली पैदा की। तो यह अली का कौल है कि जो आज हम बिजली का नजारा कर रहे हैं। उसका दुर्रा इम्तियाज है कि जिस कौम का इमाम इल्म से पहचाना जाता हो, अजीजाने मोहतरम, उसके सामने इल्मो मारिफत और यकीन की गुफ्तगू फायदा मंद हो सकती है। इसलिए इस मौजू को इंशाल्लाह बाकी हमें जिसमें आपकी खिदमत में आगे बढ़ाना है। यह मौजू हर एक के काम आएगा और मैं इस सिलसिले में अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम तक लाता हूं। लेकिन इस सिलसिले में यह अर्ज करता हूं कि हमें हर चीज की शनाख्त के लिए जहां इल्म की जरूरत है वहीं अहले बैत से मुकम्मल वाबस्तगी के लिए भी इल्म की जरूरत है। अगर वाबस्तगी सिर्फ जबानी है तो यह अदना दर्जे की वाबस्तगी है। असल में वाबस्तगी वो वाबस्तगी है जो अमल से हो और किरदार से, अटैचमेंट जिसे कहते हैं। सच्ची मोहब्बत वो इंसान के किरदार से जाहिर होती है। जबान से नहीं कहना पड़ता मैं तुम्हें चाहता हूं, बल्कि इंसान का अमल बताता है कि वो उसे चाहता है और दो सकता है। तो अली से मोहब्बत ये अली का हक है और उस मोहब्बत का तकाजा ये है कि हमारा अटैचमेंट अली से सिर्फ जबानी ना हो बल्कि अमली हो। हम हर एतबार से अली से वाबस्ता रहे, हमारा अमल हमारा किरदार, दूसरे लफ्जों में कहूं कि कहीं भी हम जाएं, किसी भी मुल्क में जाएं, किसी भी महीने में जाएं, किसी भी कौम के सामने जाएं, कहीं भी जाएं, हमें खुद जबान से ना कहना पड़े कि हम अली वाले हैं। हमें खुद जबान से ना कहना पड़े कि हम अली के चाहने वाले, अली के दोस्तान हैं, अली के शिया हैं। नहीं, हम जहां भी जाएं हमारी सूरत बताए कि हम अली वाले हैं, हमारी सीरत बताए कि हम अली वाले हैं, हमारी रफ्तार बताए कि हम अली वाले हैं, हमारा किरदार बताए कि हम अली वाले हैं, हमारी गुफ्तार बताए कि हम अली वाले हैं, हमारा क़याम बताए कि हम अली वाले हैं, हमारा क़ऊद बताए कि हम अली वाले हैं, हमारा सज्दा बताए कि हम अली वाले हैं, हमारा क़ियाफ़ा बताए कि हम अली वाले हैं, हमारा लिबास बताए कि हम अली वाले हैं, हमारा मिलना जुलना बताए कि हम अली वाले हैं, हमारा चाल चलन बताए कि हम अली वाले हैं, हमारा तौर तरीका बताए कि हम अली वाले हैं, हत्ता के हमारी सुलह बताए कि हम अली वाले हैं, हमारी जल बताए कि हम अली वाले हैं।
चाहने वाले कैसे हूं, उनके चाहने वालों का अंदाज कैसा, उनके चाहने वालों का तौर तरीका कैसा, उनके चाहने वालों का कियाफा कैसा। सीधी सीधी बात, इंसान जिससे भी खाली लगाव रखता है उसका तौर तरीका चाल चलन खुद ब खुद अपनाता है। आज इस दौर में जब हम आप जिंदगी बसर कर रहे हैं, इंसान की जहरी और फिक्री सरखा इतनी पस्त हो गई है कि कल के जमाने में जिनका तस्किरा भी शराफा की महफिल में नहीं होता था, आज उन्हीं को अपना सबसे बड़ा हीरो तस्दीक किया जा रहा है। मिसाल के तौर पे कोई बहुत बड़ा पॉप सिंगर है वो किसी के लिए हीरो बना हुआ है, कोई बहुत बड़ा फिल्म एक्टर है वो किसी के लिए हीरो बना हुआ है, कोई बहुत बड़ा क्रिकेट प्लेयर है वो किसी के लिए हीरो बना हुआ है। और वादी लफ्जों में कह दू, किसी का हीरो अमिताभ बच्चन है, किसी का हीरो माइकल जॉर्डन है, किसी का हीरो माइकल जैक्सन है, किसी का हीरो सचिन तेंदुलकर है। मिसाल के तौर पर जरूरत है जिसकी बिना पे मैं ये नाम ले रहा हूं, वरना ये नाम इस लायक नहीं कि इन मेंबर से लिया जाए। पांच जहनों तक उनका दिल करना है, नौजवानों के जहनों तक, चुनाव आ जाइए उनके कमरों में देखिए जहां वो सोते हैं, बड़े बड़े पोस्टर आपको दिखाई देंगे। मैं खाली कोयल की गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं, अमरीका भी चले जाइए, लंदन भी चले जाइए, बड़े बड़े पोस्टर जिसका जो हीरो है। अब तस्वीर है सामने तो दिन रात उठते बैठते ज्यादा भी हो रही, उठते बैठते ज्यादा भी हो रही, और धीरे धीरे क्या भी वैसा ही होगा। चुनांचे बालों में आपको चोटी भी दिखाई देगी, कानों में बाली भी नजर आएगी, हाथ में टैटू भी दिखाई देगा। तवज्जो, ये सारे के सारे चाल ढाल दिखाई देंगे। तो अजीजो, जब दुनिया वाले अपने फासिको फाजिर हीरो के चाल चलन में ढल जाते हैं तो जिसका मौला अली जैसा हो, पाको पाकीज़ा हो, अगर हम उसके चाल चलन में ढले तो ये कौन से ताज्जुब की बात है। हमें ऐसा होना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। अली कैसे चलते थे, अली कैसे नमाज पढ़ते थे, अली का सोना किस अंदाज का था, अली का जागना किस अंदाज का था, अली की सखावत किस अंदाज की थी, अली की शुजाअत किस अंदाज की थी, अली की रियाजत किस अंदाज की थी, अली की जंग किस अंदाज की थी, अली की सुलह किस अंदाज की थी, अली की बहादुरी किस अंदाज की थी, अली की दादोदहिश किस अंदाज की थी। अजीजान मुहतरम, तारीख ने छुपाने के बावजूद अली के फजाइल बयान कर दिए हैं। क्यों? इसलिए कि हर चीज को छुपाया जा सकता है, मगर सूरज की रोशनी को नहीं छुपाया जा सकता। ये तारीख का एहसान नहीं है बल्कि अली के फजाइल का करिश्मा है जो दुश्मनों ने भी बयान किया है। सलाम अली मुहम्मद वाले मुहम्मद। तारीख बताती है कि इमाम 28 सफर 28 रजब सन 60 हिजरी को मदीने से रवाना हुए थे।
तीन शाबान मुअज्जम सन 60 हिजरी को मक्के पहुंची और फिर 8 ज़िलहिज्जतुल हराम सन 60 हिजरी को इमाम ने मक्के से इराक का सफर इख्तियार किया। इराक क्यों तशरीफ ले जा रहे थे, इसे मैंने कल की मजलिस में आपकी खिदमत में पेश किया था। जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने खत लिखा था, मौला तशरीफ ले, कूफे वाले आपकी कयादत और हिदायतों रहबरी के इंतजार में है। इमाम ने सफर को लगातार जारी रखा लेकिन रास्ते में जब भी कोई कूफे से आने वाला मिल जाता था तो इमाम कूफे के हालात जरूर कर जाता, इसलिए कि 18 आदमियों के बयान करने के बावजूद हुसैन को इत्मीनान नहीं था कूफे वालों को। जहां भी कोई सवाल उधर से गुजरा इमाम ने उसे बुलाया और कूफे के हालात लगा, यहां तक कि एक सवार 9 ज़िलहिज्जा की तारीख गुजरने के बाद जब उस रास्ते से गुजरा है और इमाम ने दरियाफ्त किया कि तू कहां से आ रहा है, तो उसने बताया कि मैं कूफे से आ रहा हूं। इमाम ने पूछा कि कुछ मेरे भाई मुस्लिम के बारे में जानता है, तो उसने हाथ जोड़ के कहा मौला मैं गुजारिश करता हूं तन्हाई में तशरीफ लाया। किनारे ले गया और उसने कहा मौला मैं उस वक्त चला हूं जब मुस्लिम को शहीद कर दिया गया था और पांव में रस्सियां बांध के कूफे में खींचा जा रहा था, पांव में रस्सियां बांध के कूफे में खींचा जा रहा था। इमाम ने फरमाया इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, वाकया करबला आशूर सन 61 हिजरी को पेश आने वाला, लेकिन मुस्लिम की शहादत वाकया करबला का मुकदमा बनी। इमाम ने इमाम वक्त अपने तमाम फराइज की तरह मुतवज्जे रहता है, चुनांचे इमाम जानते थे कि मेरे साथ इस सफर में बीवियों के हमराह मुस्लिम की एक अमानत भी है। कौन मुस्लिम की अमानत? मुस्लिम की बेटी फौरन खैमे में तशरीफ ले आए और खैमे में आने के बाद जनाब मुस्लिम ने अकील की बेटी को बुलाया और अपनी आगोश में बिठा दिया। अजीजों के यौम मातम के दिन है, आंसू बहाने के दिन है, पुरसा देने के दिन है, ताजियत पेश करने के दिन है। अल्लाह ने विश्वास से हमें फिर को आका लगा दिया है, लिहाजा हमें दिल खोल के हुसैन का मातम करना है, दिल खोल के हुसैन के आंसू बहाना है, दिल खोल के करबला वालों का पुरसा देना है। तो जुमले वक्त में ज्यादा गुंजाइश नहीं है, इंशाल्लाह बाद के मजलिसों में कोशिश होगी कि मैं सामा साहब मैं आपकी खिदमत में जरा तफसील के साथ अर्ज कर सकूं। अजीजान मुहतरम इमाम ने मुस्लिम नकीब की बेटी को अपने जान में बिठाया और बिठाने के बाद उसके साथ